उत्तराखंड में श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी 7 नवंबर को सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव कराने जा रहा है, जिसको लेकर एनएसयूआई के चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष मुकेश प्रसाद ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस चुनावी घोषणा पत्र में कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरे, फैकल्टी, एलएलबी और बीए जैसी महत्वपूर्ण बातों को छात्रों के आगे रखा गया। इस दौरान चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष मुकेश प्रसाद और छात्रा योगिता कोहली ने कहा कि एनएसयूआई लगातार छात्र हितों के लिए लड़ता आया है और उनके चुनावी घोषणा पत्र में छात्र हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। यूनिफॉर्म यहाँ की अच्छी लगती है, मतलब हमको चेंज करवानी है और यहाँ पे पार्किंग एरियाज भी नहीं है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे बच्चों के फीस जाती है और उसमें कैंटीन भी नहीं है हमारे यहाँ, तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो फिर एक कैंटीन की भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पे जनरेटर भी नहीं है, कई बार यहाँ पे लाइट वगैरह चले जाती है तो बच्चों को क्लास करने में बहुत दिक्कत होती है। तो बताना चाहूँगा, आज एनएसयूआई ने जो घोषणा पत्र जारी किया वो कॉलेज में सर्वे किया और कॉलेज में जो जो समस्या हम लोगों ने पाई, छात्रों के बीच जाके हमने सर्वे किया, उस समस्या को लेकर हम कॉलेज जो छात्र संघ चुनाव है आगामी उसमें जा रहे हैं और उसी जो समस्या है उसी के उस पर हम वोट मांग रहे हैं। कॉलेज में आपने देखा होगा अभी सीसीटीवी कैमरे नहीं है, बीएससी बीकॉम काफ़ी साल हो गए कॉलेज को, बीएड एलएलबी आना चाहिए था जो अभी तक नहीं आया, जो विगत वर्ष के छात्र संघ रहा उसने इस बारे में कोई पत्रचार या कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन एनएसयूआई यहाँ पर जो भी समस्या थी उसके लिए आगे आती है और इसी को लेकर हम छात्र संघ चुनाव में जाएंगे और हमें इससे निश्चित